ये आज चलेगी 2.1। इसका पहला सवाल है, यदि एक्स अपॉन 3 प्लस 1 वाई माइनस 2 अपॉन 3 बराबर है 5/3 और 1/3, तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो क्रमित युग्म है, दो क्रमित युग्म और दोनों क्या है, समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो पहले घटक के बराबर होगा और दूसरे घटक के बराबर होगा। तो पहला घटक है यहाँ पर x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 5/3 तथा दूसरा घटक है यहाँ y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से x अपॉन 3, एक का पक्षांतर कर दो 5/3 माइनस 1 हो जाएगा। इधर y बराबर 1/3 तो ये है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। x अपॉन 3 बराबर, यहां पर लघुत्तम लेंगे तो 5 × 5 − 3/3, इधर y = हर समान है तो 3 × 3/3। तो x/3 = 5, में से 3 घटेंगे तो 2/3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ वाई में 3 का 3 का भाग रहेगा 1। अब इसमें हर समान है, 3 से 3 कट जाएंगे तो यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो एक्स बराबर 2 आया और वाई बराबर 1, तो होता है एक्स बराबर 2 तथा वाई बराबर 1 हुआ। तो इस तरह से दो क्रमित युग्म यदि समान है तो उनके प्रथम घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होगा। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरे में है यहां, यदि समुच ए में 3 अवयव है तथा समुच बी में ए में तो कितने अवयव हैं, 3, तथा बी बराबर हमें दिया गया है 3, 4, 5, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालनी है। तो एन बी कितना दे यहां पर, यहाँ भी 3 अवयव है, ये भी 3। तो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, एन ए में अवयव संख्या और गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए में 3 अवयव है, एन बी में भी 3 अवयव है, तो कितने हो गए यहाँ पर, एन ए क्रॉस बी बराबर 9 अवयव। तो इस तरह से दूसरे में 9 अवयव। तीसरे में दे रखा है हमें, यदि जी बराबर 7-8 और एच बराबर है 5, 4, 2,
तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी याद करना है। तो पहले जी क्रॉस एच बराबर जी क्या हो गया यहाँ पर 7 8, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है एच के अवयवों से 5 4 2। तो दिस इंप्लाई जी क्रॉस एच बराबर जी का प्रत्येक अवयव का एच के प्रत्येक अवयव से संबंध स्थापित हो, तो 7 5, फिर 7 का 4 से भी 7 4, और 7 का 2 से भी, इसी प्रकार से 8 का 5 से, 8 का 4 से भी होगा और 8 का 2 से भी होगा। तो ये तो आ गया जी क्रॉस एच। फिर याद करना है एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी, एच के हो गया मैंने यहां 5 4 2 क्रॉस जी के अवयव है 7 8। तो यहां दिस इंप्लाइज एच क्रॉस जी बराबर 5 का इन दोनों से संबंध स्थापित करेंगे तो 5 7 5 8, एक तो ये हो गया। फिर 4 का इन दोनों से 4 7 और 4 8, फिर 2 का इन दोनों से 2 7 और 2 8। तो इस तरह से ये एच क्रॉस ए और जी क्रॉस एच ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा। चौथे में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसे तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है यदि पी बराबर एम और एन दो अवयव है इसमें, और क्यू बराबर है एन एम, तो पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू बराबर दिया गया है एम एन और एम एन। अब हमें देखना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो हम पी क्रॉस क्यू ज्ञात करते हैं। पी क्रॉस क्यू, पी के अवयव है एम एन और क्यू के अवयव है एन एन। तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्रॉस, तो पी क्रॉस क्यू बराबर एम का एम से, फिर एम का एम से, एन का एन से, एन का एम से, एन का एम से, तो ये आया हमारे पास एम एन एम एन 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 और एन एन, जबकि हमें यहाँ एम एन और एन एन ये दो ही दे रखे हैं। एम का एम से नहीं दे रखा है, एन का एम से नहीं दे रखा है, तो वो कथन असत्य है। सत्य इस प्रकार से होना चाहिए, अतः कथन असत्य है ना, वो दिया गया कथन असत्य है। ये सत्य इस प्रकार से आया। सेकंड है इसका, यदि ए और बी एरिक समुच्चय हैं
तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक ऐरेख समुच्चय है। इस प्रकार है कि एक्स बराबर टू ए तथा वाई बराबर टू बी। यदि ए और बी ऐरिक्त है अर्थात A is not equal to pi तथा B is not equal to pi। A cross B क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक्स वाई ऐरेख समुच्चय है तो A cross B क्रमित एक्स वाई का एक ऐरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू ए तथा वाई बिलोंग टू बी। तो देखिए ए और बी ऐरिक समुच्चय है दोनों, है ना, ए भी भाई के बराबर नहीं, बी भी भाई के बराबर नहीं। तो क्रमित युग्म एक्स ए का अवयव होगा पहले घटक, है ना, ए में से होगा, दूसरा घटक बी में से होगा, ये भी सही है। और ये एक ऐरिक समुच्चय होगा क्योंकि ए और बी ऐरिक है तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, ऐरिक ही आएगा। और एक्स बिलोंग टू ए तथा वाई बिलोंग टू बी, तो ये क्या हो गया, सत्य कथन है। तो कथन सत्य है। नंबर थर्ड, यदि ए बराबर एक दो, बी बराबर तीन चार, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन फाई बराबर, बी क्या हो गया, तीन चार होंगे, है ना, इसका इंटरसेक्शन फाई से करेंगे तो कौन से अवयव नहीं, इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इसका मान क्या आएगा, फाई आएगा। और जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई से करेंगे तो ए क्या अवयव, तो एक दो, बी इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई का मान है ना, बी इंटरसेक्शन फाई का मान क्या है, फाई। जब ये रिक्त समुच्चय है तो इसके एक दो अवयव है तो इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो ये भी क्या आएगा, फाई आएगा, फाई दे ही रखा है इसमें, तो ये भी कथन सत्य है। अतः कथन ये सत्य है। तो इस तरह से सत्य और असत्य बताना है। तो ये हो गया था अपने पास चार, पांचवा है यदि ए बराबर मान से एक रे, तो हमें ए क्रॉस ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस ए
ज्ञात की है। तो यहां पर एक बराबर दे रखा है, तो पहले हम ए क्रॉस ए ज्ञात कर देते हैं। ए क्रॉस ए, ए का अवयव मान से और एक क्रॉस मान से एक ए। अब यहां पर ए क्रॉस ए, इस मानिस एक का मानिस एक से संबंध होगा और मानिस एक का फिर एक से हो, तो मानिस ए मानिस ए, दूसरा मानिस ए और एक। अब इस एक का मानिस एक से, इस एक का फिर एक से, तो एक मानिस एक फिर एक एक, ये तो एक क्रॉस ए है। इसका पुनः ए से ही करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले तो ए को ही लिख दो मानिस ए करें, फिर लिख दें ए क्रॉस ए, इस क्रॉस ए क्रॉस ए का मान, यह है मानिस एक मानिस ए, मानिस एक एक, एक मानिस एक और एक एक। अब इस मानिस एक का इन सभी से संबंध स्थापित होगा, तो पहला घटक सब में आ जाएगा मानिस एक, तो ये मानिस एक यहाँ आएगा, मानिस एक मानिस एक मानिस एक, ये मानिस एक यहाँ भी आएगा, पहला घटक मानिस एक मानिस एक ए, ये मानिस एक यहाँ भी आएगा पहला घटक मानिस एक एक मानिस एक, ये मानिस एक यहाँ भी आएगा पहला घटक मानिस एक एक एक। अब एक से करेंगे इन सबका, तो यहाँ आएगा एक मानिस एक मानिस एक, तो इस एक का इससे भी करो एक मानिस एक एक, तो इस एक का यहाँ भी करो एक एक मानिस एक, फिर इस एक का इससे भी करो एक एक एक। ये हो गया पांचवा। अब छठा, यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, तो ए और बी क्या करना है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां ए क्रॉस बी है, तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय है वो तो ए आएगा, तो ए बराबर तो पहले जो घटक है ए है या ए है या बी है या बी, तो ए बी तो ए के हो गए। दूसरे घटकों का जो समुच्चय आएगा वो बी हो गया, तो बी क्या हो गया यहां पर एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स तो ये हो गए ए और बी। सातवें में है, मान लीजिए कि ए बराबर एक दो, बी बराबर एक दो तीन चार, सी बराबर है पांच और छह, और डी बराबर दे रखा है पांच छह सात आठ। तो सत्यापित कीजिए, फर्स्ट में सत्यापित करना है अपन को, ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम ILHS लेते हैं, यहां पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो चूंकि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी ये है एक दो तीन चार, इंटरसेक्शन सी का मान है पांच अक्षर, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आया, दोनों में ओवरलैप हो गया या कुछ भी नहीं है ना, एक दो तीन चार और यहाँ पांच अक्षर, तो क्या आया ये फाइव, तो इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए का मान एक दो है, क्रॉस बी का बी इंटरसेक्शन सी का मान आया फाइव, तो इसका मान भी जब फाइव से क्रॉस करते हैं रिक्त समुच्चय तो रिक्ति आएगा, हो जाएगा भैया ये, तो ये होगा। आर एच एस में पहले हम याद करते हैं ए क्रॉस बी, ए में अभी हम है एक दो, क्रॉस बी में है एक दो तीन चार, तो ये आया एक का कर दें सबसे एक 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 दो एक तीन एक चार है। अब दो का इन सभी से करेंगे तो दो एक दो 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 तीन और दो चार, ये इसका आ गया। फिर याद करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, और जिसमें ए इंटर है इंटरनिक क्रॉस ए क्रॉस सी, ए का मान तो वही एक दो है, क्रॉस सी का मान पांच अर्थ है, तो ये आ गया एक का पांच से एक का छह से, फिर दो का पांच से और दो का छह से। अब हमें इनका इंटरसेक्शन याद करना है, तो यहां पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी का मान तो ये है और ए क्रॉस सी का मान ये, इनमें कोई अवयव ओवरलैप है कि नहीं, एक पांच इसमें कहीं नहीं है, एक छह भी नहीं है इसमें, दो पांच इसमें नहीं है कहीं नहीं, और दो छह इसमें भी नहीं, तो यहां पर भी क्या है रिक्त समुच्चय, तो इसलिए LHS बराबर RHS, तो ये हो गया सातवें का सेकंड फर्स्ट। अब इसका सेकंड में है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, ये सिद्ध होना, ए क्रॉस बी अपन क्या कर चुके हैं अभी, ए क्रॉस सी बराबर क्या आया था एक पांच एक छह दो पांच दो छह, ये तो आ गया ए क्रॉस सी। दूसरा याद करते हैं बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी बी के अवयव है हमारे पास में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्रॉस डी के अवयव है पांच छह सात आठ,
पांच छह सात आठ, तो यहां आ जाएगा एक का आंसर से एक पांच, एक छह, एक सात, एक आठ। अब दो का करेंगे सर से, दो पांच, दो छह, दो सात और दो आठ। ऐसे तीन का सबसे होगा, तीन पांच, तीन छह, तीन सात और तीन आठ। फिर चार का भी सबसे होगा, चार पांच, चार छह, चार सात और चार आठ। देखिए ए क्रॉस सी के सभी अवयव इसमें हैं, एक पांच ये रहा, एक छह ये रहा, दो पांच ये रहा और दो छह ये रहा। इसके सभी अवयव इसमें हैं, तो यहां लिख दो कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो इस तरह से चलते हैं।